सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वीरभूम जिला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक प्रशासनिक इकाई है। ये वर्धमान डिवीज़न का सबसे उत्तरी जिला है, पश्चिम बंगाल के 5 प्रशासनिक डिवीज़नों में से एक। जिला मुख्यालय सूरी में है। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में बोलपुर, रामपुर हाट और सैथिया है। झारखंड राज्य के जामताड़ा, दुमका और पाकुड़ जिले इस जिले की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित हैं। अन्य दिशाओं में सीमा पश्चिम बंगाल के वर्धमान और मुर्शिदाबाद जिलों द्वारा कवर की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लाल मिट्टी की भूमि कहा जाने वाला वीरभूम अपनी स्थलाकृति और इसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है, जो पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से कुछ अलग है। वीरभूम का पश्चिमी भाग एक झाड़ीदार क्षेत्र है जो छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। वीरभूम जिले का कुल क्षेत्रफल 4,545 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 184.80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत, जबकि बाकी का क्षेत्रफल घरों, फैक्ट्रियों, कृषि और अन्य आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस जिले ने इतिहास में कई सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन को देखा है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय उन स्थानों में से एक है जिसके लिए वीरभूम जाना जाता है। पौष मेला सहित जिले में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, वीरभूम मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है, जहां लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। जिले के प्रमुख उद्योगों में कपास और रेशम की कटाई और बुनाई, चावल और तिलहन मिलिंग, लाख कटाई, पत्थर खनन और धातु के बर्तन और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शामिल है। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन जिले का एकमात्र भारी उद्योग है। दोस्तों, वीरभूम नाम संभवतः बहादुर या वीर राजा के भूमि शब्द से आया है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि जिले में बागड़ी राजा वीर मल्ला का नाम है, जिन्होंने इस क्षेत्र में 1501 से 1554 ईस्वी तक शासन किया था। संताली भाषा में वीर का अर्थ है जंगल, इसलिए वीरभूम का अर्थ जंगलों की भूमि भी हो सकता है। दोस्तों, वीरभूम में कई नदियां बहती है। सबसे उल्लेखनीय में से कुछ में अजय, मयूराक्षी, कोपई, बकरेश्वर, ब्राह्मणी, द्वारका, हिंगलो और बांसलोई शामिल है। लगभग सभी नदियां छोटा नागपुर पठार से ऊपर उठती है और पश्चिम पूर्व दिशा में वीरभूम में बहती है। बात अगर जनगणना की करें तो 1901 में वीरभूम की जनसंख्या 9,02,280 थी, जो 1981 तक बढ़कर 20,95,829 हो गई। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या आगे बढ़कर 30,15,422 हो गई। दोस्तों, कुल जनसंख्या का 15,46,633 पुरुष जबकि 14,68,789 महिलाएं हैं। दोस्तों, वीरभूम में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 27,57,002 लोग रहते हैं, जिनमें पुरुषों की जनसंख्या 14,14,097 और महिलाओं की जनसंख्या 13,42,905 है। वहीं शहरी क्षेत्र में कुल 2,58,420 लोग रहते हैं, जिनमें से पुरुषों की जनसंख्या 1,32,536 जबकि महिलाओं की जनसंख्या 1,25,884 है। 2001 में जिले की भारतीय जनगणना में हिंदुओं की आबादी लगभग 65% थी, जो 2011 में घटकर मात्र 62% हो गई। वहीं मुसलमानों की आबादी 2001 में 33% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 37% हो गई। जिले के उत्तर पूर्व में मुराराई और नलहाटी सीडी ब्लॉकों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और नलहाटी, रामपुर हाट और इलाम बाजार सीडी ब्लॉकों में हिंदू धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। धार्मिक समूहों और गैर धार्मिक आबादी सहित अन्य जनसंख्या के 1% से काफी नीचे आते हैं।
दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 29.5% जनसंख्या अनुसूचित जाति और 6.92% अनुसूचित जनजाति की है। बंगाली की स्थानीय बोली बोलने वालों के अलावा वीरभूम में कुछ उपस्थिति के साथ आदिवासी समुदाय भी हैं, जिसमें कोड़ा, महली और उरांव अधिक आम है। दोस्तों बात अगर साक्षरता की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बीरभूम जिले की साक्षरता दर 70.9% थी। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में साक्षरता की वृद्धि निरक्षरता उन्मूलन पर विशेष जोर देने के साथ विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। जिले में सरकार द्वारा समर्थित 127 पुस्तकालय, एक निजी पुस्तकालय और एक जिला पुस्तकालय है। बीरभूम में पढ़ाई लिखाई के लिए यूपी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय बीरभूम जिला स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, द लेवल फील्ड स्कूल, द हेरिटेज स्कूल रामपुर हाट, श्री श्री शारदा विद्यापीठ, गीतांजलि पब्लिक स्कूल, श्री श्री रामकृष्ण विद्यापीठ, बीरभूम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीरभूम महाविद्यालय, बीरभूम फार्मेसी स्कूल, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, रामपुर हाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सूरी विद्यासागर कॉलेज, रामपुर हाट कॉलेज, बोलपुर कॉलेज आदि शुमार है। बीरभूम के बाउल, उनके दर्शन और उनके गीत जिले की लोक संस्कृति का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व करते हैं। बीरभूम कबियाल, कीर्तनियों और अन्य लोक संस्कृति समूहों का घर रहा है। दोस्तों वीरभूम में कई मेले शांति निकेतन में पौष मेले से शुरू होते हैं और पौष के बंगाली महीने से मकर संक्रांति तक चलते हैं। जयदेव केंदुली में मेला विशेष रूप से जीवंत है, उत्सव पूरे मौसम में आयोजित किए जाते हैं। बीरभूम के लोग जत्रा, कविगन और अलकप जैसे लोक मनोरंजन कार्यक्रमों को संरक्षण देते हैं। इस जिले में कई कवियों का जन्म हुआ, उदाहरण के लिए कवि चंडीदास। दोस्तों वीरभूम के प्रमुख आकर्षणों में बकरेश्वर, तारापीठ, चंद्रपुर में द्वारवासिनी मंदिर और रजपुरी हैं। बीरभूम में कई पुराने मंदिर हैं, जैसे कि जयदेव केंदुली, सुरूल और नानूर में टेराकोटा जली हुई मिट्टी से बनी नाजुक सजावटी टाइलें हैं। दोस्तों बीरभूम का पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल के चावल के मैदानों का एक हिस्सा है और वनस्पति में बंगाल में चावल के खेतों की सामान्य विशेषताएं शामिल हैं। बीरभूम में आम, ताड़ और बांस आम पेड़ों में से है। अन्य सामान्य पौधों की प्रजातियों में कटहल, अर्जुन, साल, अमरूद, केंद और महुआ शामिल है। बीरभूम जिले में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैर मानव स्तनपायी लंगूर है, जो गंगा के मैदान में प्रचलित एक लंबी पूंछ वाला ग्रे लंगूर है। कुछ जंगली सुअर और भेड़िये अभी भी चिनपाई, बंदरसोल और चरीचा के छोटे जंगलों में देखे जा सकते हैं। बीरभूम के पक्षियों में तीतर, कबूतर, हरा कबूतर, पानी के पक्षी, डॉयल, भारतीय रॉबिन, ड्रोंगो, बाज, कोयल, सनबर्ड, भारतीय रोलर, तोता, बबलर और कुछ प्रवासी जैसे पहाड़ी और मैदानी भूमि में रहने वाली प्रजातियों का मिश्रण शामिल है। दोस्तों बीरभूम जिले का प्रति व्यक्ति आय 53,122 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। बात अगर क्राइम रेट की करें तो बीरभूम जिले का अपराध दर 110.24 है। बीरभूम जिले में चिकित्सा हेतु सूरी सदर हॉस्पिटल, रामपुर हाट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर एनसी दत्ता मेमोरियल हॉस्पिटल, सूरी पुलिस हॉस्पिटल, जॉय दुर्गा नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक, बोलपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल, बीरभूम नर्सिंग होम, स्वास्तिक क्लिनिक एंड सेवा सदन, आशा नर्सिंग होम, मल्लारपुर हॉस्पिटल, सैंथिया स्टेट जनरल हॉस्पिटल आदि शुमार हैं। तो दोस्तों बीरभूम जिले की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।